हमेशा पाकिस्तान का साथ देने और भारत के क्षेत्र में घुसपैठ कर परेशान करने वाले चीन को भारत ने घेरने की तैयारी शुरू कर दी है। पाकिस्तान को दुनिया में अलग थलग करने के बाद भारत ने फोकस चीन की तरफ कर दिया है। इसी का परिणाम है कि भारत अब चीन से आने वाली चुनौतियों से मुकाबला करने के लिए तैयारी कर रहा है, या यूं कहें कि भारत ने तैयारी शुरू कर दी है। पहले तो अरुणाचल में भारत ने होविट्सर तोपों को लैंड कराया, फिर चीन से लगी सीमा के पास आजकल युद्धाभ्यास चल रहा है। इसी कड़ी में चीन को एक और शाक देते हुए भारत ने वायुसेना के अरुणाचल प्रदेश में विजयनगर ALG एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड को सेना के विमानों के लिए बुधवार को दोबारा खोल दिया। वैसे 12,000 फीट की ऊंचाई पर हुआ ये सैन्य अभ्यास सैन्य बलों की संख्या और हथियारों के तैनाती के लिहाज से बड़ा नहीं है, लेकिन इस बारे में बात करते हुए कश्मीर में आर्मी के शीर्ष कमांडर लेफ्टिनेंट रणबीर सिंह ने विश्वास जताया कि अगर देश पर युद्ध थोपा जाता है तो चीन के साथ लगे LOC और पाकिस्तान से लगे LOC की देखरेख करने वाला नॉर्दर्न कमांड बेहतरीन प्रदर्शन की अपनी परंपरा कायम रखेगा। रणबीर सिंह ने आगे कहा कि नए वेपन सिस्टम्स और हाईटेक इक्विपमेंट मिलने से सेना की मारक क्षमता हर दिन बढ़ती जा रही है। इसी के चलते सेना अगले महीने अरुणाचल प्रदेश में हिम विजय के नाम से एक बड़ा सैन्य अभ्यास करने जा रही है। थल सेना इसमें वायुसेना के साथ सामंजस्य से अपने नए समेकित युद्ध समूहों इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स की पहाड़ी इलाकों में युद्ध क्षमता का परीक्षण करेगी। ये युद्ध अभ्यास करीब करीब उसी वक्त होगा जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अनौपचारिक बातचीत के लिए भारत दौरे पर होंगे। वहीं यहां एक बात बता दें कि वायुसेना ने विजयनगर ALG पर बुधवार को एक AN-32 एयरक्राफ्ट भी उतारा है। इसका मकसद देश के सुदूर पूर्वी इलाके में सेना के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की कनेक्टिविटी फिर से बहाल करना है। विजयनगर ALG ऐसा लैंडिंग ग्राउंड है जहां सड़क मार्ग से वाहन के जरिए नहीं पहुंचा जा सकता। वायुसेना ने लद्दाख के पूर्व क्षेत्र न्योमा DBO और फुकचे में स्थित एडवांस लैंडिंग ग्राउंड के अलावा पिछले कुछ सालों में अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट, मेचुका, वालोंग, अलोंग, जीरो और तुतिंग में भी ALG एक्टिवेट किए हैं। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि दूर दराज से सीमाई इलाके में सैन्य टुकड़ियों को पहुंचाने और रसद की आपूर्ति में तेजी लाना है। अधिकारियों की माने तो विजयनगर ALG म्यांमार के साथ लगी सीमा की देखरेख में भी मददगार होगा। इस एयरफील्ड पर बड़े ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की आवाजाही से इस इलाके के विकास में तेजी आएगी और स्थानीय लोगों की यातायात सुविधा में भी इजाफा होगा। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते भारत और चीन के सैनिकों के बीच पंगोंग त्सो के समीप पूर्वी लद्दाख में तनातनी हुई थी और यह घटना तब हुई जब चीनी सेना के जवानों ने इलाके में भारतीय सैनिकों द्वारा गश्त किए जाने का विरोध किया था। फिर जाकर दोनों तरफ के बड़े अधिकारियों ने इस मुद्दे को बातचीत से हल किया था। तो आप समझ सकते हैं कि भारत की चीन के लिए क्या रणनीति है।